हेलो जी, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब, नमस्कार जी सारिया नूं। पिंड पंजाब दे चैनल ते तुहाडा स्वागत है। तो सब तो पहला जी तुहानूं मैं मज्ज दी अपडेट दे दां। तो हुणे हुणे डॉक्टर जी ट्रिप ला के गया है, तो खड़ी है हुण। थोड़ा जिहा पानी पीता है, ज़्यादा नहीं, पाँच चार लीटर पानी पीता है। तो देखो जी जगाली पट्टूगी है ना, फेरी है। थोड़े थोड़े कख खाँदी है, जिवें बठल खा लिया, बठल के सन्नी खा ली, ज़्यादा कख नहीं खाँदी। हाँ पुत, की गल होगी, ज़्यादा कख नहीं खाँदी हैगी बेचारी, बिल्कुल कमज़ोर हो गई जी। तो डॉक्टर के कहने मुताबक भी कहने भी तुसी इनू छोटी बीमारी ना समझो, भी काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन आज है ना, उन्होंने हिसाब आ जो देखा उन्होंने भी सह है जो खिचवा लेंदी हैगी, काफ़ी सह खिच खिच के लै रही है, तो घट खा रही हैगी। तो हुण ड्रिप लगी है जी, बिच होर टीके टूके पए ने। तो वाहेगुरु अगे अरदास प्लीज़ जरूर करो भी जल्दी ठीक आ जाए। इन्नी ज़्यादा टेंशन है मैंने, कुछ भी नहीं मैं वधिया लगता। मेरा ब्लॉग भी शूट करन हुण बिल्कुल भी दिल नहीं करता सी भी मैं कैमरा चक्का, पर फिर भी एवें हो गया है ना। सवेर पहले मैं कपड़े धोई गई भी थोड़े नाल मैं गलबात जे करूँगी तो ठीक लगेगा, मैनू भी वधिया लगेगा। तो काफ़ी सारे व्यूअर्स पूछ भी रहे भी मज किवें हैगी। देखो जी हालत में सुधार आऊगा तो उन्होंने डॉक्टर ने यही कहना भी हौली हौली ठीक होगी। जो तुम कहोगे भी दो दिन के जल्दी पहला वागू कख खाण लग जू, इस तरह नहीं, हौली हौली फर्क पै जूगा। अज कुछ कल कुछ होर, जिमें कल नालों उन्होंने कहा भी फर्क है पहला नालों। देखो जी वाहेगुरु अगे अरदास करो प्लीज़ जरूर भी अज ठीक हो जाए। पता नहीं, तो काफ़ी सारे व्यूअर्स में ऐसा लगता होगा भी मज ही है, कोई गल नहीं बीमार होगी। पता जी मेरे पुत्तों वागू पालिया हुई ने, इन्ना ज़्यादा मैं शौक न पालिया ने। जब आप घर है ना कोई भी पशु रखते हैं, चाहे वह डंगर पशु है, चाहे अपना कोई है ना डॉगी हो गया, कैट हो गई, कुछ भी वो ना अपनी अटैचमेंट हो जाती है, फिर उन्होंने प्यार कर देंगे है ना। तो फिर उन्होंने प्यार कर दें, घर अपने फैमिली मैंबर बन जाता वो। तो यदि मम्मा से ना मुल लई से साढ़े पिंडों, मेरे पापा ने दवाई से पिछे आई से, यह तो मेरे घर की पाली हुई है, इन्ना ज़्यादा प्यार है। मैं सील भी है वैसे, दुध बात वधिया दिंदी है। बाकी जी है ना पशु ने जेडे अजक लैन दे नहीं, लख रुपए तो घट कोई भी मज नहीं आती हैगी, बस ठीक हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन है, कुछ भी करन जी नहीं करता है, समझ ही नहीं आती भी की करिए की ना। तो हूँ देखते हैं जी, सन्नी सुन्नी पाने गे, खल प्यों के हटेंगे। तो अज धुप, पहला तो धुंध बहुत ज़्यादा सी, फिर धुप निकल ही से, अज मैं कपड़े धो रही हूँ, सवेर के दो दिन के कपड़े नहीं धोते सी अपने। फिर इधर सेवा कर जावे जी लंगर के, तो बस वाहेगुरु कोई अरदास है भी मज जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। बहुत सारे कपड़े सीगे धोन वाले, मैं सवेर की लगी हूँ, क्योंकि जिन्ना कल धोते जिन्ना परसों कट्ठे हो गए। हूँ एवं लालच है भी चलो अज धुप निकली हुई है, हो सकता कल धुप ना निकले। सर्दियों से तो बहुत ज्यादा कपड़े हो जाते हैं, एक तो जाने दस दस ला दें। आया कि मैं हड्ड दिखन लग गए ने।
ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁੱਕ ਗਏ ਸੁੱਕ ਗਏ ਬਸ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪੱਖੇ ਪੁੱਖੇ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਧੋਤੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕੁਛ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਧੋਈ ਗਈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡਾਓ ਮੱਝ ਦੇ ਡ੍ਰਿਪ ਲਵਾਉਣੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਗਈ ਡ੍ਰਿਪ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਕੰਮ ਖੜ ਗਿਆ ਉੱਠਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਵੀਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਕੋਟ ਧੋ ਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਮੋਟਾ ਕੋਟ ਹੈਗਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਨੇ ਸਵੈਟ ਸ਼ਰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਨਾ ਜੈਕਟ ਕੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਕੂਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਧੋਤਾ ਸੀਗਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈ ਦਵੂਈ ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਭਾਫ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਘਰ ਬਾਲੀ ਪੈ ਗਈ ਰੋਟੀ ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਕੌਣ ਖਾਊਗਾ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਬਣ ਰੱਖੀ ਸੀ ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਐਲੋਵੇਰਾ ਖੜਾ ਵਾਧੂ ਉਹਦੀ ਸਾਬਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਕਿਨ ਬਹੁਤ ਡਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਣ ਬਣੂੰਗੀ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਬਣਾਉਂਗੀ ਸਾਬਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਣ ਬਣੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕੋਟ ਲੈ ਲੈ ਆਓ ਰੇਨ ਕੋਟ ਮੰਗੂ ਨਾ ਲੰਬਾ ਲੈ ਆਓ ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਆਏ ਹੈ ਗਏ ਹੈ ਪਰ ਡੰਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਸ਼ੂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆ ਖੂਨ ਬੋਤਲ ਲਾਈ ਸੀ ਬੋਤਲ ਆਉਣਾ ਵੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆ
मैं तो आप ही कह रही सी मैं भी मेरे बाल ही लाल लाल जो है पे वो आप तो आने नहीं सिंगल खोलना पड़ेगा ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀ ਸੀ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਾਈ ਗੁਰਲੀਨ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਨੇ मुनी लाया उन्हें टाइम जिन्ना टाइम दाना नहीं पाया इतना दाने तो गिज्जी हुई है मैं सन्नी चेहरा लाया से अब मैं उन्हें पूछ लो पहले रख लेने को जो फिर वाले जी कर दे रखने दा पूछ लेने में फोन करके हाँ जिनके चिट्टे चिट्टा या हो हाँ चिट्टे चिट्टा जी बस ठीक है तेने भी लगते ने चकांगे जी तड़की क्योंकि बिंदे बिंदे जी नहीं करता गोहे च लिपड़न तो इन्नी क बोतल रह गई सी ये टीके पाके दा रंग पिंक होया गा क्योंकि जी पता नहीं की हो गया वो खट गई सी बोतल चलनों हट गई सी फिर डॉक्टर कहता जी बंद करो इन रहन दो इस तरह जिहड़ा गीत है ना भी जट्टां दीआं जेबां दे विच रहिंदी तूड़ी है ये कहावत सच्ची है जी कई बार ना बिस्तरे चो भी तूड़ी थे जाती है क्योंकि जाट जूट नूं ऐ कोटियां कपड़ियां लगी रह जाती है जो बिस्तरे च बड़ जाने उत्थे डिग पैंदी है काफ़ी लोग कहिंदे ने भी कपड़े बदलो कपड़े बार बार नहीं बदले जाते साल च तां खास करके गर्मी तां रला लैंदा चलो चलो जी सन्नी आप कर दिती है तो हूँ मास्टर जी आएंगे वो लेके आएंगे ने दवाइया दवाइया तो फिर मैं मझ नूं भाप देऊंगी तो फिर कुछ दवाइया देनिया नहीं है ना परसों इस तरह दवाइया नहीं लेंदा फिर गुड़ की चूरी कुट के उहदे विच आपां दवाई देवांगे तो गोलियां कल सानूं मिलिया नहीं सी कुछ वो मास्टर जी हूँ गोलियां लेके आएंगे उन्हां नूं भी हो सकता आउंदिआं नूं लेट हो जाए सारा फिर आपां एक बार प्रोपर ट्रीटमेंट करदे आं जी अगे है ना परमात्मा दे हत्थ च बस आपां अपने मनियों कोई कसर नहीं रहण देनी वाहिगुरू भी भली करनगे जी है ना परमात्मा नूं आपां तां अपनी अपनी फिक्र हैगी ते परमात्मा नूं सब दी फिक्र हैगी वाहिगुरू जी सब ठीक करनगे पर तुसीं प्लीज़ अरदास जरूर करियो मझ वास्ते चलो जी आपां अज्ज दी वीडियो दा एंड इत्थे ही कर दिंदे कल नूं नैक्सट वीडियो नाल मिलदे हां तद तक दे लई सति श्री अकाल मेरा वसदा रहे पंजाब खुश रहो आबाद रहो हसते रहो वसते रहो।